नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्स डिटरमिनेशन यानी लिंग निर्धारण के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेक्स डिटरमिनेशन यानी लिंग निर्धारण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसके लॉन्ग में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको ज़रूर से रेडी कर लेना। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं लिंग निर्धारण के। तो रिप्रोडक्शन यानी जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स भाग लेते हैं। उनमें उपस्थित गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम इस बात का निर्धारण करते हैं कि उत्पन्न होने वाला जीव किस लिंग का होगा। नेक्स्ट है, प्लांट्स और एनिमल्स सभी में लिंग को प्रभावित करने वाले अंग होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको जननांग यानी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। जिन जीवधारियों यानी ऑर्गेनिजम्स में फीमेल और मेल दोनों प्रकार के गैमेट्स बनते हैं उनको हम उभयलिंगी यानी मोनोसियोस कहते हैं। लेकिन जिन जीवधारियों में मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग जीवधारियों में मिलते हैं उनको हम डायसियोसिस यानी एक लिंगी कहते हैं। अतः इन गैमेट्स में क्रोमोसोम के प्रभाव से उत्पन्न सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है। इस घटना को हम सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सभी जीवधारियों के अंदर क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये निर्धारण करते हैं कि इस चीज़ को तय करते हैं कि आने वाला जो चाइल्ड होगा, जो आने वाली जो संतान होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। अब कुछ जो जीवधारी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के युग्मक यानी गैमेट्स बनते हैं, उनको हम उभयलिंगी यानी मोनोशीसिस कहते हैं। इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, मटर का पौधा ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब जो एक लिंगी होते हैं मतलब जो डाइसियोसिस होते हैं उनमें क्या होता है, तो जो एक लिंगी होते हैं उसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग जीवधारियों में बनते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम प्लांट में, हम ले सकते हैं जैसे खजूर का जो पेड़ होता है उसका, और एनिमल्स में हम ले सकते हैं जैसे मेंढक। ठीक है, अब लिंगी और अलिंगी गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स में क्या अंतर होता है, तो सभी डायोसिस ऑर्गेनिज्म की सेल्स में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स और दूसरा एलोसोम्स। ठीक है, मतलब एक होते हैं हमारे सोमेटिक क्रोमोसोम्स या हम कह सकते हैं दूसरे होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। तो जो हमारे ऑटोसोम यानी सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं इन पर केवल सोमेटिक कैरेक्टर्स के जीन प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो ही हमारा लिंग निर्धारण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम ले सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा ह्यूमंस होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो 46 में 44 जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोसोम यानी कि सोमेटिक क्रोमोसोम्स। अब बाकी जो हमारे दो होते हैं वो होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पर ये जो दो क्रोमोसोम होते हैं ये निर्धारण करते हैं कि यहाँ पर फीमेल होगा या फिर मेल होगा, तो यही हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन के लिए विभिन्न जंतुओं में निम्नलिखित क्रोमोसोमल पैटर्न पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं XX और XY क्रोमोसोम द्वारा लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटरमिनेशन। तो फीमेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम समान होते हैं, इन्हें XX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनसे बने सभी गैमेट्स एक ही प्रकार के होते हैं अतः इसे होमोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर मेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम असमान होते हैं, इन्हें XY द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनमें दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, 50% गैमेट्स एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं तथा 50% गैमेट्स वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं, और इसको हम बोलते हैं हेटेरोगैमेटिक सेक्स। तो जो फीमेल में क्रोमोसोम होते हैं
वो हम देखो फीमेल में जो होते हैं वो उन्हें हम शो करते हैं कैपिटल एक्स से, और जो मेल में होते हैं उनको हम शो करते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से। तो मेल में जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम असमान होते हैं, और जो फीमेल में होते हैं वो समान होते हैं। अब जो समान होते हैं उसको हम बोलते हैं होमोगैमेटिक, और जो असमान होते हैं उसको हम बोलेंगे यहाँ पर हेटेरोगैमेटिक। ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला और ह्यूमन। तो ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम्स के 4 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑटोसोम होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स वाई मेल ड्रोसोफिला को शो करता है और एक्स एक्स फीमेल ड्रोसोफिला को शो करता है। ह्यूमंस में क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो एक्स वाई को शो करते हैं हम मेल से और एक्स एक्स को शो करते हैं हम फीमेल से। अभी यहाँ पर फीमेल और मेल प्रेजेंट है, और ये वाली जो फर्स्ट जो जनरेशन होती है हम इसको पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं, और यहाँ पर जब गैमेट्स बनते हैं तो यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न होता है। और यहाँ पर फीमेल और मेल के मिलने से यहाँ पर 50% मेल बनते हैं और 50% यहाँ पर फीमेल बनते हैं, और ये वाली कहलाती है हमारी F1 जनरेशन। दूसरा आता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन बाय XX और XO क्रोमोसोम, यानी XX और XO गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। तो इसमें जो हमारे टीडी यानी जो हमारे ग्रासोफर होते हैं और जो कॉकरोच होते हैं, और मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं कुछ कीट, उनमें जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल XX है और मेल XO है। यहाँ पर ये वाली जो जनरेशन होती है ये वाली पेरेंटल जनरेशन है, यहाँ पर फिर बाद में गैमेट्स बनते हैं, और जो हमारी F1 जनरेशन आती है उसमें 50% हमें मेल मिलते हैं और 50% यहाँ पर फीमेल मिलते हैं। थर्ड आता है हमारा ZZ और ZO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो हमारे बटरफ्लाई तितलियाँ जो होती हैं और मॉथ्स जो होते हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यहाँ पर ZO होती है हमारा फीमेल और ZZ होता है मेल, और यहाँ पर जब फीमेल और मेल आप मिलते हैं तो यहाँ पर 50% जो हमारी जो F1 जनरेशन आती है उसमें 50% क्या होते हैं मेल मिलते हैं और 50% ही फीमेल मिलते हैं। अगला आता है हमारा ZZ और ZW टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसके द्वारा हमें मछलियों और कीटो रेप्टाइल्स इन सब में सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। यहाँ पर ZZ मेल होते हैं और जो फीमेल होती है वो ZW से हम शो कराते हैं। यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न होता है, फिर गैमेट्स बनते हैं, फिर जो हमारे जो मेल और फीमेल के मिलने से जो हमारी F1 जनरेशन मिलती है उसमें हमें 50% मेल मिलते हैं और 50% ही हमें फीमेल मिलते हैं। ध्यान रखना एक चीज़ का कि एग्ज़ाम में ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर ज़रूर बना करके आने हैं। और इसमें और भी कुछ लिखना चाहते हो तो अपनी बुक से लिख लेना और अच्छे से समझ कर याद कर लेना, क्योंकि लॉन्ग के हिसाब से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आपके जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जूलॉजी के अंदर वो वीडियो अपलोड है, जाकर चेक कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।